सो व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो मेरे चैनल टेक्नो बॉम्ब में। मेरा नाम है प्रांजल दास और इसी के साथ अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यार अभी लॉकडाउन की वजह से ना बहुत मतलब मैं क्या बोले इतना प्रॉब्लम्स है ना नेटवर्क का मतलब नेट का कि भाई मतलब एक तो प्राइस तो और बढ़ ही जा रहा है, ऊपर से भाई नेट तो आता ही नहीं है ढंग से, इतना ट्रैफिक बढ़ गया ना नेट में क्योंकि भाई सब घर में और भाई ट्रैफिक तो इसलिए बढ़ेगा ही जाहिर सी बात है। हाँ तो ऐसे में आप अपना नेट जो है ना कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके जैसे 4G में बहुत स्लो चल रहा है नेट या नहीं काम कर रहा अच्छे से तो आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको अपना लोकेशन ढूंढना है घर में कि आपको ना कहाँ नेट सही आ रहा है। तो एक तो ये चीज़ है, ओके होता है कि अब घर के पास ज़्यादा टावर्स नहीं होते तो इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, उसका दिया है और उसके बाद अगर आप ज़्यादा पैसा आ रहे तो टावर लगवा लो यार, क्या दिक्कत है। भाई मतलब सीरियसली मत लेना, मजाक कर रहा हूँ कि तो यार ये ठीक है। उसके बाद या तो आप एक ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लगा सकते हो, अगर आपको एकदम ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है आपके यहाँ तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी लगवा सकते हो, ओके वो भी सही रहता है, वो आपकी मर्जी है, ये मैं सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको मोबाइल में ठीक करना है तो उसके लिए आगे वाला मैं ये जो स्टेप बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर ना इसके लिए आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाते हैं, ये यूज़फुल ट्रिक है, वैसे मैंने भी बहुत बार इसे यूज़ किया है, ओके। तो आप भी सबसे पहले आपको ना अपने मोबाइल के ना सेटिंग्स में आना है, ओके। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल का जो आपका मोबाइल नेटवर्क एंड कनेक्शन वाला ऑप्शन होगा ना मोबाइल नेटवर्क वाला, वहाँ जाना है। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद अब आपको ना अपना जो क्या बोलते हैं जो सिम वाला है ना, अगर आपके मोबाइल नेटवर्क लिखा है या सिम लिखा है तो आपको अपने सिम पे क्लिक करना है, ओके, जो भी सिम से आपका नेट चल रहा है। ठीक है, या तो आपका अलग ऑप्शन होगा तो जहाँ से आपको अपना सिम का दिखाते हैं जहाँ पर आप चूज़ करते हैं कि यहाँ से आप अपना 4G या 3G करना है वो सब, तो वाला आपको चूज़ कर लेना, ओके। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि जिस टाइम आपको अगर जैसे नेट नहीं चल रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपको अपना 4G से हटा के 3G में कर लेना है, ओके। क्योंकि जब देखो 4G में ज़्यादा ट्रैफिक है मतलब आपका 3G एकदम फ्री होगा, तो आपका 3G उस टाइम पे अच्छा खासा चलेगा। हालांकि 4G इतना स्पीड तो नहीं देगा लेकिन यह है कि आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा उससे और सही भी चलता है, वो मैंने यूज़ भी किया है वैसे। जब भी मेरा नहीं होता है तो मैं यही ट्रिक करता हूँ, ओके। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि आप और क्या कर सकते हैं नेटवर्क को ठीक करने के लिए, ओके। तो बस यही है यार। और यार अगर आपको ना यार वीडियो ना पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ओके। और ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो यार मतलब अपना जैसे अपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है ना तो यार वो भी बात चेकआउट कर लेना और थोड़ा सपोर्ट करना मेरे को ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, ओके। और अभी मेरा आवाज़ इसलिए थोड़ा बिगड़ा है क्योंकि मेरे मुंह में थोड़े से छाले हो गए हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर का खा लिया था मैं तो इसलिए थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ओके। तो यार वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। और भाई मतलब ओके यार चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।